नमस्कार जी, मैं हाँ बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। अज अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना की ट्विटर उत्ते एक पोस्ट जो 2 साल पुरानी है सामने आई है, जिस विच उसने डेरा सिरसा मुखी नूं उनां दी गुआंढी बन ते वधाई दित्ती है। ट्विंकल खन्ना लिखती है कि वह खुशकिस्मत ने कि डेरा मुखी उनां दे गुआंढी बने ने, और अक्षय कुमार ने कहा सी कि उन्हां डेरा मुखी नूं जाणदे आ ते ना सुखबीर सिंह बादल नूं। अज तड़ातड़ सोशल साइटां ते वीडियो ते फोटोआं अपलोड होंदियां रहियां। चंडीगढ़ तों खबरां अनुसार अज पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने बहबल का गोली कांड विच पुलिस अफसरां दी जांच उत्ते रोक विच वाधा कर दिता है। मोगा के पिंड मलके च 3 वरे पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब की कीती गई बेअदबी के मामले संबंधी बाघा पुराणा के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत च डेरा सिरसा की राज पद्धरी 45 मैंबरी कमेटी आगू प्रीति सिंह समेत 3 डेरा प्रेमियों ने CPRC की धारा तहत अपने गुनाह कबूल लाए। जज सामने दसिया कि उन्होंने बेअदबी की सी। भगता भाई की संगत ने स्थान कस्बे के नेड़े गुरुसर जलाल च गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दी घटनावां दे दोषां तहत पुलिस वालों फड़े भगता भाई के डेरा प्रेमियों के समाजिक बाईकाट का ऐलान कर दिता है। बाघा पुराणा तो खबर अनुसार गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले से सियासी आगुआं वालों विरोधियों मेहने मारन विच कोई मौका खुंझाण नहीं दिता जा रहा। यह धुमतबाजी राजनीतिक इकट्ठा तो बाद समाजिक इकट्ठा में भी शुरू हो गई है। पिंड संगतपुरा के गुरद्वारा च समाज सेवी निमित अंतम अरदास मौके अजिहा होया। कांग्रसी विधायक ने समाज सेवी नूं श्रद्धांजलि लई चंद शब्द कहण पिछों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मामले श्रोमणी अकाली दल नूं जिम्मेवार ठहरांदिआं तिखे बोलां दी वाछड़ शुरू कर दित्ती। विधायक वल्लों अकालियां उत्ते धुमतां लाईआं गईआं तां पिंड दे वसनीक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अकाली आगू ते मैंबर सीनियर अकाली आगू नूं इह शब्द हजम ना होए तां उह मीणो मीणी हो पाए। कल हुई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की चोण भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने भावें जित ली, चोण मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मुद्दे उत्ते तुहानू दसीए कि 30 मारखां की कहिंदा है। अजनामे च तोता सिंह का चर्चा सी बड़ा होया, अंतली घड़ी सी आस गई टुट पाई, मसा मसा मनाया गया मक्कड़ मतलब कढ के दिता फिर सुट पाई। अलविंदर दे सिर ना चढ़े सुपने, लौंगोवाल गया गुड्डी फिर लुट पाई, रुसिया ढींसा ता रस्ता रोकने लई अड़ेके लाउण लई बनेगा गुट पाई। अदारा धर्म दी गल है ना, घूमदी धाड़ फिरदी चेले चाटियां दी, भले बंदे दी टके दी कदर कोई नहीं, पै रही है कदर बंदे कांटियां दी। भले बंदे दी टके दी कदर कोई नहीं ते पै रही है कदर बंदे कांटियां दी। इह 30 मारखां कह रहा सी। ते हुण मौसम दा हाल, पंजाब च मौसम होर भी ठंडेरा हो गया। कल शाम भी बदलवाई बनी हुई है और कई थाईं कणमन हुई है। अज सवेर तो धुप निकली ही नहीं ते लोकां ने ठंड दी दस्तक नूं जीओ आ कहिंदे आ ठुर ठुर करना शुरू कर दिता है। आ गई ठंड का भी राग अलाप के लोग देखे गए। मौसमी माहर मुताबक किणमिण ते बदलवाई जदों छड़ जाएगी उस मगरों नवंबर महीने के अध विचाली ठंड तेजी नाल वधेगी ते धुप्पां भी निखर के पैणगियां। उधरों जम्मू कश्मीर में भारी बर्फां पै रही ने ते अज मुगल रोड भी बंद कर दिता गया है। पटियाला दे जिला पुलिस मुखी ने अज वड्डी प्राप्ति कीती है। जिला पुलिस मुखी मनदीप सिंह सिद्धू ने नाभा विखे दिन दिहाड़े सिक्योरिटी गार्ड नूं जख्मी करके 50 लाख दी डकैती दा मामला 4 घंटिआं विच सुलझा दित्ता है। पटियाला दी पुलिस ने लुटी हुई रकम समेत 2 लुटेरियां नूं गिरफ्तार कीता, जिन्हां तों बंदूक अते सिक्योरिटी गार्ड तों खोया हथियार बरामद कीता है। IG पटियाला ASRI ने दस्सिया कि फड़े गए लुटेरियां दी पहचान अमरजीत सिंह अते जगदेव सिंह वजों हुई है, जदकि DGP सुरेश अरोड़ा ने पटियाला दे जिला पुलिस मुखी मनदीप सिंह सिद्धू अते नाभा पुलिस वल्लों सुलझाई गई इस वारदात नूं लैके 1 लाख रुपए इनाम वजों देण दा ऐलान कीता। इस ते जिला पुलिस मुखी पटियाला मनदीप सिंह सिद्धू ने ऐलान कीता कि नाभा बैंक डकैती नूं सुलझाउण लई DGP वल्लों पटियाला पुलिस नूं दित्ता 1 लाख रुपए दा इनाम मृतक गनमैन प्रेम चंद दे परिवार नूं दित्ता जाएगा। नाभा विखे बैंक डकैती दा मामला पटियाला पुलिस ने 4 घंटिआं विच सुलझा लिया। पुलिस ने लुटी रकम बरामद करके लुटेरियां नूं गिरफ्तार कीता। जिला पुलिस मुखी मनदीप सिंह सिद्धू ने खुद ऑपरेशन की अगुवाई की। जिक्रयोग है कि जिला पुलिस मुखी मनदीप सिंह सिद्धू नूं पुलिस रत्न अते राष्ट्रपति अवार्ड अते बाबा फरीद ईमानदारी अवार्ड नाल सन्मानिया जा चुका है। पंजाब डायरी हुण फेसबुक ते भी, जिथे साढ़े नाल जुड़ चुके हैं पंजाब दे कई सीनियर पत्रकार, पल पल दी खबर अते कई कुछ करदे ने लाइव। फेसबुक ते साढ़े ग्रुप नूं ज्वाइन करो। इस ग्रुप विच तुसी अपने विचार भी पा सकते हो ताकि लोगों तक तुहाडे विचार पहुंच सकन। ग्रुप नाल जुड़ रहे ने हर रोज सैकड़े लोग।